नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी शर्मा, आप देख रहे हैं एपटी न्यूज। सौतेले चाचा ने अपने भतीजे को गोली मारकर उतारा मौत के घाट। घटना बीती देर रात 11 बजे की है। अब अमन बासपाई खाना खाकर घर से निकला तो 20 मीटर दूरी पर सौतेले चाचा से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। कहा सुनी में शराब के नशे में धुत कुलदीप बासपाई ने भतीजे के सीने में उतार दी गोली। वहीं घटना से परिवार में हड़कंप मच गया और जैसे तैसे अमन बासपाई को गोला सीएससी लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया। पुलिस ने हत्या के आरोपी कुलदीप बासपाई को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र नेता था और हत्या का कारण पारिवारिक कलेश बताया जा रहा है। परिवार वालों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेजने की तैयारी में जुट गई है। घटना लखीमपुर खीरी के थाना गोला गोकर्णनाथ मोहल्ला लक्ष्मी नगर कॉलोनी की है।